सब्सक्राइब कीजिए हमारी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियां आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कार्तिक महात्म के पांचवें अध्याय के बारे में। पृथु बोले, हे मुनि, तुमने कार्तिक का महाफल वर्णन किया है, अब महीनों के स्नान की विधि और नियम कही है। नारद जी बोले, हे राजन, तुम विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हो, तुमने कोई बात छुपी नहीं है, तथापि मैं नियमों का वर्णन करता हूँ। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से सावधान होकर कार्तिक के व्रतों को प्रारंभ करें। पहरात्रि रहे तब प्रतिदिन उठे और जल का पात्र लेकर ग्राम के बाहर उत्तर दिशा को जाए। जिन्हों को कान पर चढ़ाकर उत्तर को मुख करके भूमि पर तृण बिछावे और सिर को कपड़े से ढक लें। भूख को बंद कर थूकना और समास लीला बंद करके मलमूत्र का त्याग करें। जो रात्रि हो तो दक्षिण का मुख करें। जो मलमूत्र द्वारा शरीर की शुद्धि और जो मुख शुद्धि नहीं करते हैं उनके मंत्र फलदायक कभी नहीं होते, इसलिए दातुन करना उचित है। दातुन लाते समय वक्ष कहे कि है वनस्पति, हमको आयु, बल, यश, तेज, संतान, द्रव्य, वेद पाठ की शक्ति और बुद्धि दें। इस मंत्र को पढ़कर गुलर आदि किसी दूध के वृक्ष की 12 अंगुल लंबी दातुन लावें। व्रत के दिन ऐसा ना करें। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, षष्ठी तिथि और सूर्यवार तथा चंद्रमा सूर्य ग्रहण के दिन दातुन ना करें। कटेरी, संभालू, कपास, पीपल, वट, अरंड और गंधहीन वृक्षों की दातुन ना करें। तदंतर विष्णु और शिव के मंदिर में प्रसन्नता और विधिपूर्वक पुष्य, गंध, तांबुल ले जाए। वहाँ भगवान की पदादि से स्तुति करके नमस्कार करें और भजन गावें। देवालय में भजन कीर्तन करने वाले विष्णु स्वरूप होते हैं, जैसे सतयुगादि में तप, यज्ञ, दान आदि के भगवान को तुष्टि देने वाले, वैसे ही कलयुग में भक्तिपूर्वक भजन कीर्तन मोक्ष देने वाले होते हैं। नारद जी बोले, सिरस, धतूरा, कटेर, मल्लिका, सेमर, आँख, कनेर के फूल तथा अक्षतों से विष्णु जी की पूजा नहीं करते। जयकुंद, सिरस, चमेली, मालती, केतकी आदि के फूलों से सूर्य की पूजा लक्ष्मी चाहने वाले को करना उचित नहीं है, यथा योग्य विधि से ही देवता की पूजा करके भगवान से समा प्रार्थना करें। यह सुरेश्वर, हे देव, जिस मैंने मंत्रहीन भक्ति की और क्रियाहीन पूजा किया है वे परिपूर्ण होवे। फिर प्रदक्षिणा करके दंडवत करें, फिर समा प्रार्थना करके गान करके समाप्त करें। जो कार्तिक की रात्रि में विधिपूर्वक विष्णु और शिव जी का पूजन करते हैं वे अपने पूर्वजों सहित निष्पाप वैकुंठ होकर चले जाते हैं। तो मित्रों, आज आपने जाना कार्तिक महात्म का पांचवा अध्याय। हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसे आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको शेयर भी कर दें ताकि वो लोग भी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सभी जानकारी आपको विस्तार दी जाएगी। धन्यवाद।